स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल हेल्थ इज मस्ट पर। आज की इस विशेष वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। आखिर आप इंसुलिन लेते हैं तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जल्दी से जल्दी आपको मेरी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए, और जैसे कि मैं लाइव आता हूँ बीच बीच में आपके क्वेश्चंस के आंसर देने का, उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर कोई भी पर्सनल क्वेरी है, आप डिटेल में मुझसे कोई पूछना चाहते हैं, तो आप डॉकवाइज ऐप पर मेरा पिन डालकर वहां पर पूछ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक, साइड इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन क्या होते हैं। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट डेंजरस हाइपोग्लाइसीमिया, यानी ब्लड में शुगर की कमी होना। ये क्यों हो जाती है? हमने अगर ज्यादा मात्रा में इंसुलिन ले ली है, मान लिया जरूरत थी 10 यूनिट की, ले ली है 20 यूनिट, तो उससे क्या होगा, ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाएगी। इसे बोलता है हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें होता क्या है मैं अभी बताता हूँ। दूसरी कंडीशन होती है कि इंसुलिन की टाइमिंग, अगर हमने इंसुलिन लगा ली है और अगर हमें डॉक्टर ने बताया कि आधे घंटे बाद इंसुलिन के आपको खाना खाना है और आप खाना किसी कारणवश आपने नहीं खाया, दो घंटे तक नहीं खाया, डेढ़ घंटे तक नहीं खाया, इंसुलिन ने तो अपना काम करना चालू कर दिया, वो ब्लड शुगर को कम करेगी। खाना हमने खाया नहीं है, ब्लड में शुगर हमारी बढ़ी नहीं है, तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ब्लड शुगर काफी कम हो जाएगी। तीसरी कंडीशन आती है, हमने इंसुलिन तो लगाई है, जो हम नॉर्मली रोज खाना खाते हैं जितना अमाउंट खाते हैं, मान लिया कि हम चार रोटी एक कटोरी दाल और कुछ सब्जी खाते हैं, और आज हमने क्या किया, इंसुलिन तो उतनी ही दी है लेकिन हमारे खाने की इच्छा नहीं हुई है, हमने आधी रोटी खा के छोड़ दिया है, तो क्या होगा, सेम कंडीशन जैसे हमारा देर खाना देर से खाने से हुआ था, इंसुलिन ने तो अपना उतना ही काम करना है। यूजली क्या होती है, एक यूनिट इंसुलिन 10 मिलीग्राम ऑफ शुगर को कम कर देती है ब्लड में, रोज का अगर हम डेली एवरेज लेंगे तो वो इंसुलिन अपना काम करना चालू कर देगी, और हमने खाना पूरा नहीं खाया, ब्लड में जितनी शुगर बननी चाहिए थी उतनी बनी नहीं है, लेकिन इंसुलिन ने जो बची हुई शुगर है उसे भी डाउन कर दिया। नेक्स्ट कंडीशन आती है हाइपोग्लाइसीमिया की, जिसमें एक्सरसाइज का ज्यादा करना। बिल्कुल भी ऐसे ना सोचे कि अब हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है, अगर हम इंसुलिन पे आ गए, जो आपका डेली रूटीन है जैसे आपने सेट किया इंसुलिन आपको उतना करना है। मान लिया हमने इंसुलिन लगाई, खाना भी बहुत कम खाया, उससे हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो, साथ में हमने एक्सरसाइज कर लिया, बहुत हार्डवर्क कर लिया, तो क्या होगा, ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। इतनी बार हाइपोग्लाइसीमिया और शुगर कम होने की बात की है, आखिर हमें इसका चिंता क्यों करनी है? क्या होता है, जैसे जैसे ब्लड में शुगर कम हो जाएगी, 90 हुई, 80 हुई, 70 है, 70 से कम जैसी आती है हमें सिम्टम्स आने चालू हो जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक चीज है, अगर कभी भी आपको ये लक्षण आते हैं अभी मैं बताने वाला हूँ, तो आपको क्या करना है, 2 से 3 चम्मच चीनी खा लेनी है, कुछ मीठी चीज खा लेनी है, रसगुल्ला खा लेना है, मिठाई खा लेनी है, ताकि वापस से ब्लड में शुगर की मात्रा ठीक आ जाए। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट को घबराहट हो सकती है, पसीना आ सकता है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है, आंखों के सामने अंधेरा आना, हाथ कांपने, और अगर बहुत ही कम हो जाती है शुगर और बहुत देर तक कम रहती है तो पेशेंट गफलत में जा सकता है, ड्राउजी हो सकता है, और रेयर केस में अनकॉन्शियस हो जाता है, और समटाइम्स देखा गया है कि अगर रात में ब्लड शुगर बहुत कम हो गई और ध्यान नहीं दिया तो डेथ तक होने के चांसेस हो जाते हैं, या फिर परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। लेकिन बिल्कुल ना घबराएं इंसुलिन लेने से, ये तभी होगा जब आप अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, जो है स्किन से रिलेटेड। जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं इंसुलिन का स्किन में, तो वहां पे रेडनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, वहां की खाल थोड़ी सी स्वेलन हो सकती है, मतलब सूजन आ सकती है हल्की सी। कभी भी ऐसा होता है तो वहां पर दोबारा इंसुलिन नहीं लगाएंगे जब तक वो स्किन की कंडीशन ठीक नहीं हो जाती है, ये यूजली 4 से 5 दिन में ठीक हो जाती है। आपको क्या करना है, दूसरी जगह इंसुलिन लगा लेना। ब्लड आना, कई बार क्या होता है हमने इंसुलिन लगाया वहां से ब्लड आ गया, तो ये बहुत सुपरफिशियल वेसल्स होती है, कई बार उसमें पंक्चर हो जाता है जिसके कारण ब्लड आ जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं घबराएं, अगर नेक्स्ट टाइम दूसरी जगह पे इंसुलिन लगाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट आता है लिपोडिस्ट्रोफी। इसमें क्या होता है, जैसे इंसुलिन लगाया तो वहां की स्किन थिक हो सकती है, श्रिंक कर सकती है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, वहां पे इंसुलिन दोबारा नहीं लगानी है जब तक वो स्किन की कंडीशन बिल्कुल ठीक ना हो जाए। इसके 2 कारण है, हम इंसुलिन लगाएंगे तो वहां पे ब्लड सप्लाई ऑलरेडी कम हो चुकी है जिसके कारण हमारा इंसुलिन एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और क्या होगा, इंसुलिन की मात्रा प्रॉपर ब्लड में नहीं पहुंचेगी और वो काम नहीं करेगी।
ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा कि आखिर इंसुलिन लेने के बाद भी ब्लड शुगर हमारा कंट्रोल क्यों नहीं रहता है, उसमें मैंने ये बहुत डिटेल में बताई है सारी चीजें। एक और कंडीशन होती है हाइपोकैलेमिया, ये सबको नहीं होता है, किसी किसी को हो सकता है। इसमें क्या होता है, पोटेशियम लेवल जो होता है हमारा ब्लड में काफी कम हो जाता है, जिसके कारण थकान रहती है, मसल क्रैम्प्स होते हैं, तो इस टाइप के वीक सिंड्रोम्स आ सकते हैं, सिम्टम्स आ सकते हैं। तो लेकिन ये है साइड इफेक्ट्स जो सबको नहीं होते हैं। अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया है कि हमें कैसे इंसुलिन लगानी है, सही तरीका क्या है, खाने का शेड्यूल कैसे रखना है, इंसुलिन की डोज कैसी है, तो आपको ये साइड इफेक्ट कभी नहीं होंगे और आप अच्छे से अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर लेंगे। डायबिटीज कंट्रोल करने का मेन मकसद है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना। तो इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मेरी वेबसाइट healthismust.com पर जाकर पूछ सकते हैं, या फिर डॉगवाइज ऐप जिसका पिन स्क्रीन पर भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां पर पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।